स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 14 वर्ष या डी 13 वर्ष। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पहले सुबह भागलपुर के दियारा में एसटीएफ ने किया इनकाउंटर, 2 को क्या ढेर 4 धराए। भागलपुर जिले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके के कुख्यात इनामी समेत 2 अपराधियों को मार गिराया है। वहीं पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। मारे गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 .315 बोर का रेगुलर राइफल, 1 .12 बोर का रेगुलर बंदूक, 2 मॉस्केट, 1 देसी कट्टा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मौके से बरामद किया है। मृतक अपराधी की पहचान रानी दियारा थाना एकचारी के रहने वाले 50,000 के नामी अपराधी चंद्रशेखर कापरी और उनके सहयोगी मनोहर मंडल के रूप में की गई है। इस मामले में सीनियर SP नितासा गुड़िया ने कहा कि काफी दिनों से पुलिस प्रशासन उसका पीछा कर रही थी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर कापरी अपने इलाके का कुख्यात अपराधी था और इस पर हत्या, लूट, अपहरण सहित कई संगीन मामले दर्ज थे। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। यह बड़ी उपलब्धि है, एसटीएफ को पुरस्कृत किया जाएगा। इस टीम के द्वारा आज सुबह चंद्रशेखर कापड़ी एवं उसका एक सहयोगी मनोहर मंडल को एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है पेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही साथ उसके अन्य 4 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो अवैध हथियार है उसको भी बरामद किया गया। मैम पुरस्कृत भी किया जाएगा? बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय के द्वारा जितने भी सदस्य जो हैं जो इस रेड में शामिल थे उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। चंद्रशेखर कापड़ी 8 कांडों का रहा है और इसको अभी कुछ समय पहले 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं SPF के साथ लगातार समन्वय लगाया गया था और कुछ समय पहले भी इसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई थी परंतु वो छापेमारी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कल रात को भी एक टीम भेजी गई थी। नवगछिया के बिजली विभाग के कैश शाखा में 17 लाख की हुई डकैती, 4 अपराधियों ने चौकीदार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। नवगछिया थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के SDO के पुराने कार्यालय स्थित कैश शाखा से मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात को अज्ञात अपराधी ने चौकीदार को बंधक बनाकर 17 लाख रुपए की डकैती कर ली है। घटना के बाद बंधक बनाए गए गार्ड कहलगांव निवासी ज्योतिष राय ने घटना की सूचना बिजली विभाग के पदाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही देर रात नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गोपालपुर और नौगछिया थाने की पुलिस ने छानबीन प्रारंभ की, जबकि बुधवार को सुबह खुद नौगछिया SP घटनास्थल का जायजा लिया। कांड का उद्भेदन करने के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई है तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को एकत्रित किया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर चौकीदार ज्योतिष राय, प्राइवेट वॉचमैन नारायणपुर के ननका निवासी कुंदन यादव को हिरासत में ले लिया है, जबकि कैश शाखा के केसियर उपेंद्र कुमार से भी पुलिस ने सघन पूछताछ की है। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस अनुसंधान शुरू कर चुकी है। जानकारी मिली है कि 3 दिनों से बैंक बंद रहने के कारण 3 दिनों में बिजली विभाग के विभिन्न कार्यालय द्वारा वसूल किया गया बिजली बिल कैश काउंटर में ही रखा गया था। विभाग के पदाधिकारी के अनुसार कुल मिलाकर 17 लाख रुपए की नकदी कैश शाखा की तिजोरी में रखा गया था। कैश काउंटर भवन में ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार ज्योतिष राय ने कहा कि मंगलवार की रात को
ड्यूटी पर एक वॉचमैन के साथ उनकी ड्यूटी थी, लेकिन सामने ननका निवासी कुंदन कुमार ने कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह घर जा रहा है। देर रात चौकीदार ज्योतिष राय भवन में अकेले थे। चौकीदार ज्योतिष ने कहा कि भवन का मेन गेट बंद था, वे कैश शाखा के बगल वाले कमरे में ही सो रहे थे। देर रात चार अपराधी उनके कमरे में आ गए और एक अपराधी ने उनके कनपट्टी में हथियार सटाकर उनका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद अपराधी ने कैश शाखा के कमरे का ताला तोड़कर फिर तिजोरी का ताला तोड़कर सारा रकम ले लिया। चौकीदार ने कहा कि अपराधी छत के रास्ते से ही घुसे थे और छत से ही कूदकर भागे भी। चौकीदार ने कहा कि कुछ देर बाद जब सभी अपराधी मौके से भाग गए तो उन्होंने मौके से ही बिजली विभाग के पदाधिकारी को घटना की सूचना दी। इधर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन के लिए एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में नौगछिया, गोपालपुर और बिहपुर के पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है। बुधवार की देर शाम संभावित ठिकाने पर छापेमारी भी की गई है। इधर नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा है कि मामला चोरी का है या डकैती का है, यह छानबीन का विषय है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कांड का उद्भेदन करने के लिए खोजी कुत्ते और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मदद ली गई है। जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन किया जाएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नवगछिया में 340 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। नवगछिया पीएससी में बुधवार को जमुनिया, ढोलबज्जा और साहू प्रवत्ता में 340 लोगों का वैक्सीनेशन डॉक्टर वरुण कुमार के देखरेख में किया गया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि तीनों सेंटर पर वर्तमान में 45 से 59 वर्ष आयु के लोगों या बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो भी इस आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं वो पर्वत्ता, जमुनिया और डोलबज्जा सेंटर पर अपना आधार कार्ड और किसी चिकित्सक से अगर इलाज चल रहा है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन लेकर चले आएं, उनका इन सेंटर पर आसानी से वैक्सीनेशन हो जाएगा। डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैसे लोग जो कोरोना नेशन का फर्स्ट डोज ले चुके हैं वे 28 से 42 दिन के अंदर अपना दूसरा डोज भी पीएससी आकर ले लें, अन्यथा कोरोना वैक्सीनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डॉक्टर वरुण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन करने के लिए आए तो अपना आधार कार्ड और मास्क साथ जरूर लाएं। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसी स्थिति में लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो अस्पताल आकर कोरोना जांच अवश्य करवा लें। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया बेलोरा दियारा में एसपी ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन, पुलिस पिकेट के जांच के दिए निर्देश। कोसी दियारा इलाके के बेलोरा, बहियार व टेकना दियारा में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस बलों के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने दियारा में स्थित अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की। एसपी पुलिस बलों के साथ मोटरसाइकिल से दियारा में छापेमारी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान से बातचीत कर दियारा में अपराधियों की गतिविधि की जानकारी ली। इस दौरान बेलोरा दियारा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बनाए गए पुलिस पिकेट का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पिकेट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवानों से दियारा की गतिविधि के बारे में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि दियारा में किसानों की जमीन पर कब्जा करने एवं फसल लूट करने की मंशा अपराधियों की नहीं चलेगी। दियारा में किसानों की सुरक्षा को लेकर दो पुलिस पिकेट को स्थापित किया गया है। दियारा के अपराधियों की हर गतिविधि पर पुलिस निगरानी कर रही है। पुलिस पिकेट की स्थापना के बाद से दियारा में अपराधियों की गतिविधि पर काफी अंकुश लग गया है। वहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन में उनके साथ बिहपुर इंस्पेक्टर अमर विश्वास, कदवा ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार, सार्जेंट जयप्रकाश पंडित सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिस के जवान शामिल थे। नवगछिया मुरली के छात्र नीलेश ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में मारी बाजी। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के मुरली निवासी प्रदीप कुमार सिंह के पुत्र नीलेश कुमार सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। नीलेश का चयन सैनिक स्कूल नालंदा में हुआ है। छात्र नीलेश नवगछिया के आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला का छात्र है। सैनिक स्कूल परीक्षा में सफल होने पर विद्यालय के संचालक पंकज कुमार तथा प्राचार्य दीपक कुमार ने उसे शुभकामनाएं दी है। छात्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733।
पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लेक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया, बिजली विभाग के कर्मी और गार्ड संदेह के घेरे में। पुलिस ने कई कर्मियों और गार्डों के मोबाइल को किया जब्त। बिजली विभाग के कैश शाखा में 17 लाख की डकैती होने के मामले में विभाग के कई कर्मियों समेत चौकीदार और गार्ड संदेह के घेरे में हैं। चौकीदार समेत एक गार्ड को हिरासत में लिए जाने और केसीएल से पूछताछ किए जाने के बाद पुलिस ने कई कर्मियों और गार्ड का मोबाइल जब्त कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। वहीं बताते चलें कि 17 लाख डकैती के मामले में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सहायक अभियंता आशीष कुमार के लिखित बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिनों से बैंक बंद रहने के कारण कैश शाखा में ही 17 लाख रुपए जमा रखा गया था, जिसे अपराधियों ने लूट लिया। वहीं बताते चलें कि सहायक एसडीओ के पुराने कार्यालय के भवन का मुख्य गेट बंद था, दूसरी तरफ भवन के छत पर चढ़ने के कोई रास्ते नहीं है, छत पर किसी प्रकार के निशान भी नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक कोई जानकार इस घटना में संलिप्त नहीं है, तब तक कैश काउंटर की सुरक्षा को भेद पाना संभव नहीं था। डॉग स्क्वाड ने भी घटना के संदर्भ में किसी प्रकार की खास जानकारी नहीं दी है। पुलिस का कुत्ता भवन के इर्द गिर्द ही मंडराता रह गया। नवगछिया, विशेष गृह सचिव का नवगछिया स्टेशन पर किया स्वागत। भागलपुर से पटना जाने के क्रम में विशेष गृह सचिव विकास वैभव का नवगछिया स्टेशन पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने भी उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। श्री वैभव भागलपुर किसी निजी कार्य से आए हुए थे, बुधवार को वापस राजधानी एक्सप्रेस से पटना लौट रहे थे। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। रंगरा थाने के चौकीदार को मिल रही है गोली मार देने की धमकी। नंबर बदल बदल कर लगातार धमकी दे रहे हैं अपराधी। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी रंगरा थाने के चौकीदार शत्रुघ्न हरिजन को अलग अलग नंबर से गोली मारकर हत्या करने की लगातार धमकी मिल रही है। आजीज होकर चौकीदार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। शत्रुघ्न ने बताया कि बुधवार की सुबह से ही उसे फोन पर भद्दी भद्दी गाली, घर पर चढ़कर गोली मार देने की धमकी मिल रही है। फोन करने वाला कुछ भी सूचना या सुनना पसंद नहीं करता है और लगातार अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। मामले की मौखिक सूचना रंगरा थाना अध्यक्ष को दे दी गई है। रंगरा थाने के थाना अध्यक्ष महताब खान ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन टीम घोषित, हाजीपुर रवाना। बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा 18 से 20 मार्च तक कुशवाहा आश्रम हाजीपुर वैशाली में आयोजित होने वाले 27वीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष व महिला में भाग लेने वाली नवगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की घोषणा करते हुए बॉल बैडमिंटन संघ के राज्य प्रवक्ता सह जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि जिला संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद समी उर्फ मुन्ना, कोषाध्यक्ष रितेश दुबे, राजीव चौधरी उर्फ नूनू, प्रभु नंदन चौधरी, संतोष सवर्ण, गौतम कुमार, बबलू कुमार मोदी, राकेश कुमार, मुकेश पोद्दार, सनी पोद्दार, कल्याण झा, शत्रुघ्न कुमार आदि ने राज्य चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। घोषित टीम इस प्रकार है। पुरुष वर्ग में राहुल कुमार कप्तान, अंकित कुमार शर्मा उप कप्तान, अमन कुमार, राजा कुमार, अमित कुमार, सन्नी कुमार, मोहम्मद सैफ अली, मुकुल कुमार, सूरज कुमार, गुलशन कुमार व अविनाश कुमार। प्रशिक्षक सह प्रबंधक घनश्याम कुमार हैं। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बीपुर, पुलिस पर पथराव मामले में एक को भेजा जेल। बीपुर थाना क्षेत्र के बभनगामा में सोमवार को अवैध आरा मिल जब्त करने गए वन विभाग और पुलिस पदाधिकारी के बीच किए गए पथराव और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त के मामले में बभनगामा
के मिल संचालक अधिक लाल सिंह के पोते राजेश कुमार को पुलिस ने पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उक्त जानकारी बीरपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार ने दी। गोपालपुर तिनटेंगा करारी में मिला नवजात, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। तिनटेंगा करारी गांव में गुरुवार की शाम को गणेश भारती के घर के सामने सड़क के किनारे झाड़ी में एक नवजात लड़का लावारिस हालत में मिला। नवजात के रोने की आवाज पर आसपास के लोगों ने सरपंच घनश्याम पासवान को इसकी सूचना दी। गोपालपुर पुलिस को दिया। ग्रामीण बजरंगी मंडल व उनकी पत्नी अंजू देवी ने बच्चे को तत्काल ग्रामीण चिकित्सक के पास इलाज कराया और उसको अपनी ममता के छांव में रखा। गोपालपुर पुलिस ने उक्त नवजात को सीएससी गोपालपुर पहुंचाया, जहां मौजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बच्चे का इलाज किया। सीएससी में मौजूद बजरंगी मंडल व पत्नी अंजू देवी ने बताया कि हम लोग नवजात को अपनाने के लिए तैयार हैं। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंती नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 एके झा 9472833513। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारे। अवतार फ्लेक्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। शिवानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।